हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ राहुल फ्रॉम लखनऊ। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। कैसे हैं दोस्तों आप सभी? सो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो रेड बटन दबा के चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो मैं अपडेट करूं उसका नोटिफिकेशन आपको हर दिन मिल सके। सो दोस्तों, मेरे साथ हैं बिने जी। बिने जी, गुड मॉर्निंग। कौन सा डे आज आपको लर्न करने का? 8 डेज हो चुके हैं। गुड, तो कितना कॉन्फिडेंस आ चुका है विनय जी आपको? बहुत कॉन्फिडेंस आपके साथ, तो बहुत कॉन्फिडेंस आ चुका है। बट अभी जब आपने कार को टर्न किया है तो क्या सही तरीके से टर्न किया है? आपका राइट वाला पैर एक्सेलेटर पे था और आपने कार टर्न कर दी। पर टर्निंग के टाइम बिने जी, हमेशा राइट वाला पैर आपका ब्रेक पे होना चाहिए, क्योंकि डियर आपने सेकंड गियर में कार को टर्न करा और सेकंड गियर में कार आपकी 20 प्लस चल रही थी। और मेरा मानना है कि अगर आप एक्सीडेंट से बचना चाहते हैं, सामने कोई भी सडन गाड़ी आ जाए उसको बचाना चाहते हैं, तो आपका राइट वाला जो पैर है वो फाइनली ब्रेक पे होना चाहिए, एक्सीलेटर पे नहीं होना चाहिए, यहीं से राइट टर्न करना है। सो दोस्तों, आज मैं बिने जी को गलियों में चलवाने के लिए लेके आया हूँ। छोटी छोटी गलियों में मैं इनको प्रैक्टिस कराऊंगा, जहाँ पे फर्स्ट गियर और सेकंड गियर में कार इनकी चलेगी। और टर्निंग के टाइम आपका फाइनली पैर ब्रेक पे होना चाहिए। फिर बिने जी, आपने एक्सेलेटर पे रख रखा, क्या चाह रहे हैं आप? 15 दिन और सीखना चाहते हैं मेरे से? क्यों? अभी 2 सेकंड पहले मैंने आपको यही चीज सिखाई, फिर आपने वही मिस्टेक करी। यहाँ इस कॉलोनी में आपको एक्सेलेटर, इसी गली में जाना, राइट टर्न करो। मैं गलियों में चलवाने के लिए लेके आया हूँ आपको, ठीक है? जितनी गलियां हैं सब में आपको लेफ्ट और राइट टर्न करना है। जितनी गलियां हैं सब में लेफ्ट और राइट टर्न करना है। एक्सीलेटर की कोई नीड ही नहीं है यहाँ पे। बस एक चीज का ध्यान देना, अभी जैसे आप लेफ्ट टर्न करोगे तो लेफ्ट वाले ओआरबीएम को ये चेक करना है कि आपका पिछला टायर कहीं नाली में तो नहीं कूद गया है, ठीक है? तो इसकी सीधी करो। तो इसके लिए क्या है कि आपको अपने लेफ्ट वाले ओआरबीएम को, इस मिरर को बार बार रिकॉल करते रहना, ताकि आपको ये क्लियर हो जाए। अभी लेफ्ट में हमें पता चल रहा है कि हमारे लेफ्ट में कम से कम 2 फीट का मार्जिन है। अभी यहाँ पे नोटिस करिएगा, जैसे डिजायर को क्रॉस किया, अब इस मिरर को देखना स्टार्ट करो। देखो प्रॉपर दिख रहा है, कितनी गैपिंग है। ये चीज हमें, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जब कार को ओवरटेक कर रहे हो तो लेफ्ट टर्न करना तब देखते हैं, और जैसे कार उनकी निकल जाती तो नहीं देखते। हमें प्रॉपरली ये चीज देखनी कि जब हम किसी को, किसी व्हीकल को टर्न कर रहे हैं तो हमारे इधर ही सीधा चलना है, तो हमारे लेफ्ट में कितना स्पेस बचता है। लेफ्ट चलना, लेफ्ट लेफ्ट, इधर रास्ता नहीं है बिने जी। हाँ, अपना लेफ्ट दबा के अब इसी गली से फिर आपको राइट लेना है। जैसे ये राइट टर्न करोगे, देखो अपना लेफ्ट दबा के, कर्व लेके लेफ्ट दबा के, ये वाला। हाँ, सिग्नल ऑन, टर्न करो। ना सिग्नल दिया ना आपने हॉर्न दिया, सीधी करो। थोड़ा इंस्टेंटेनियस नहीं तो क्या होता है, फटाफट चीजों को करना होता है डियर। इसी को तो ड्राइविंग कहते हैं, मल्टीटास्किंग होता है ये। माइंड आपका एक्टिव रहता है। फोर व्हीलर ड्राइव करने का मतलब ये होता है कि आप अलर्ट रहो, एक्टिव रहो। अब आगे से हमें राइट टर्न करना है, और अपना लेफ्ट कर्व लेके, क्योंकि यहाँ पे रोड की चौड़ाई थोड़ी कम है, तो राइट साइड से कोई भी व्हीकल आ सकता है। तो यहाँ अपना लेफ्ट और राइट दोनों मिरर चेक करना है। टर्न करो, जैसे आपका राइट वाला ओआरबीएम क्रॉस कर जाए, सीधी कर लो। आपके पड़ोसी देखो सब दूर हो गए बेचारे, समझ गए, है ना? अब आप ध्यान दो ड्राइविंग पे। जी जी। अब अगले कट से हमें लेफ्ट लेना है। हाँ, तो अभी से आप प्लानिंग करना स्टार्ट करोगे, हल्का सा राइट दबा के फिर टर्न करना, कर्व लेके हल्का राइट दबा के फिर टर्न करना है। हॉर्न, बस। अब ये मिरर आपका क्रॉस कर जाए, बस टर्न करना, अभी टर्न करो, देखो कट। ये चीज हमेशा ध्यान दीजिए, अगर आप लेफ्ट टर्न कर रहे हो तो इतना कार का हिस्सा जब निकल जाए तब आपको स्टीयरिंग घुमाना स्टार्ट कर देना है। अगर आप राइट टर्न कर रहे हो किसी ब्लाइंड टर्न पे, तो राइट वाला ओआरबीएम पूरा क्रॉस कर जाए, फिर उसके बाद आपको टर्न करना स्टार्ट करना है। इसको दोनों टायरों के बीच में ले लो। कार विदाउट एक्सीलेटर चल रही है, फर्स्ट गियर सबसे स्मूथ गाड़ी चलती है सीखने वालों के लिए, क्योंकि यहाँ पे आपको एक्सेलेटर की कोई नीड नहीं है। फर्स्ट गियर में कार आपकी 0 to 10 के बीच में चल रही है। अब यहाँ पे देखो गड्ढा है, तो यहाँ पे क्या करना है, हल्का सा क्लच ले लेना है, ताकि कार में जर्क ना आए। गुड, बहुत बढ़िया। अब लेफ्ट का सिग्नल दीजिए आप, और राइट वाला फाइनली ब्रेक पे पैर, लेफ्ट वाला क्लच पे पैर, और लेफ्ट वाले ओआरबीएम को रिकॉल करना स्टार्ट करिए। जब मैं बोलूंगा तब आपको टर्न करना है। अब एक राउंड स्टीयरिंग का पूरा घुमा दो, बस एक राउंड। हाँ, थोड़ा सा और लेफ्ट आओ, थोड़ा सा। अब सीधी कर लो। हाँ, अब यहाँ से फिर हमें लेफ्ट जाना है। लेफ्ट का सिग्नल,
और अपना लेफ्ट ही दबा के रखिए, जितना लेफ्ट रखेंगे उतना सेफ रहेंगे। और लेफ्ट आओ, वेरी गुड। अब ये थोड़ा गली नैरो है जी, ये जो गली है नैरो, मैंने एक बार भी विनय जी अभी तक क्लच ब्रेक को टच नहीं किया है, एक बार भी ना, मेरी आदत है। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको लेफ्ट में ध्यान देना है, क्योंकि लेफ्ट में मेरी कार का एक फिट साइड मिरर निकला है और वो जो पोलो खड़ी है उसका भी एक फिट, तो 2 फिट मार्जिन तो नॉर्मल हो जाएगा। अपना लेफ्ट आ जाओ फटाफट, जल्दी जल्दी, और लेफ्ट आओ। अब देखो आपने क्लच से पैर ही हटा लिया है, ये चीज नहीं होनी चाहिए। बच्चे को हॉर्न दो बस, राइट रखो। इस गली में आते ही आपकी हार्ट बीट बढ़ जाती है, है ना, इस गली में आते ही आपकी हार्ट बीट बढ़ जाती है। हल्का राइट रखो, अब राइट का सिग्नल दो और लॉन्ग हॉर्न पुश करो, बस अपना लेफ्ट दबा के राइट टर्न करना है। हाँ चलो टर्न करो फटाफट, और बस कटी रहने दो। अब सीधी करो, और सीधी करो, गुड, बहुत बढ़िया। यही दीवार थी जो आपने तोड़ी थी, बहुत बढ़िया। अभी थोड़े दिन पहले विनय जी से एक कांड हो गया था, ब्रेक की जगह एक्सीलेटर दब गया था और इन्होंने दीवार तोड़ के एकदम शॉर्टकट में गाड़ी आगे निकाल दी थी। अभी थोड़ी सी स्पीड मेंटेन करिए, ये जो बार बार मैं आपको टोक रहा हूँ कि राइट वाला पैर आपका ब्रेक पे होना चाहिए, बस इसी गलती की वजह से आपसे एक्सीलेटर दब गया था ब्रेक की जगह और वो हादसा हो गया। शुक्र मनाइए किसी को चोट चाट नहीं लगी, बहुत बड़ी बात। यहाँ बच्चे अक्सर खेलते रहते हैं। अब सामने देखो ब्लाइंड टर्न आ रहा है, बट यहाँ पे बीच में कट भी है, तो हमें खतरा कहाँ से, ब्लाइंड टर्न से या इस कट से? ब्लाइंड टर्न से, क्योंकि कोई भी आ सकता है। यहाँ पे एक बार हॉर्न देना, ब्लाइंड टर्न ये भी है और ब्लाइंड टर्न वो भी है, हमें सीधा जाके आगे से राइट टर्न करना है। अपना पहले लेफ्ट लेके आओ, थोड़ा अपनी कार को लेफ्ट लाओ, इसलिए कि सामने से कभी भी कोई भी व्हीकल आ सकता है। अभी लेफ्ट ही रखो, जब आधा रोड क्रॉस कर जाओ फिर टर्न करना। अब राइट टर्न कर दो एक राउंड फटाफट, जल्दी जल्दी, बस इससे ज्यादा नहीं, वेट। अब सीधी करो, गुड। अभी थोड़ी सी स्पीड मेंटेन करो, राइट वाला पैर ब्रेक पे रखो, राइट का सिग्नल दीजिए, राइट का सिग्नल, राइट वाला पैर ब्रेक पे फाइनली, और थोड़ा आगे जाके, क्योंकि पोल है, पोल को जैसे क्रॉस करोगे, अभी नहीं, अब टर्न करो फटाफट, और बस अब सीधी करो। अभी पता बिनी जी, आप अपना लेफ्ट मार्जिन नहीं मेंटेन कर पाते हो, लेफ्ट सटा के राइट टर्न करते हैं, छोटी गलियों में लेफ्ट सटा के राइट टर्न करते हैं, ताकि राइट में ज्यादा स्पेस मिल जाए। चलने दीजिए, बढ़ाइए स्पीड, जाने दो धीरे धीरे, आगे से फिर आपको लेफ्ट चलना है, हल्का सा राइट दबा के टर्न करना है, क्योंकि लेफ्ट में देखो, हाँ ये, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब आगे से मैं यहाँ से लेफ्ट टर्न करना है, तो लेफ्ट का सिग्नल दो ऊपर को, हाँ, हल्का राइट दबा के लेफ्ट टर्न करना, थोड़ा सा राइट रखना, हाँ, और राइट खोल का, अब लेफ्ट टर्न करो फटाफट, जल्दी 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 जल्दी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब सीधी कर लो, सीधी करने को बोला है, टेढ़ी करने को नहीं बोला है विनय जी। चलिए अब हल्का सा स्पीड मेंटेन करिए और जाओ, हल्का बढ़ाओ स्पीड, हाँ, लेफ्ट आओ, हाँ, स्पीड मेंटेन करो, जाओ रेस करो, अब राइट का सिग्नल दो, हाँ, अपना लेफ्ट दबा के राइट टर्न करना है, और लेफ्ट आओ, और लेफ्ट, अब राइट वाला पैर ब्रेक पे, बस एक बार हॉर्न, क्योंकि हॉर्न गाली होती है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब यहाँ से हमें लेफ्ट टर्न करना है, बस जो रोड टूटा है उसमें मत कूदाना, रोड पे ही गाड़ी रखना है। अब टर्न करो, गुड, बहुत बढ़िया, अपना लेफ्ट ही रखना, जितना लेफ्ट रखोगे उतना सेफ रहोगे। और लेफ्ट आओ थोड़ा, मैं लेफ्ट बोल रहा हूँ, आप राइट ले जा रहे हो भाई, और लेफ्ट आओ थोड़ा, और लेफ्ट आओ, सामने से कभी भी कोई भी व्हीकल आ सकता है ना, अभी नहीं, अब टर्न करो एक राउंड, बस इससे ज्यादा नहीं, अभी सीधी कर लो, चलो अभी स्पीड मेंटेन करो, हर टर्निंग पॉइंट पे आपका जो साइड है वो लेफ्ट मेंटेन होना चाहिए, ना कि राइट। अभी स्पीड बढ़ाइए, क्योंकि हमेशा बंदा जो भी ओवरटेक करेगा वो राइट साइड से करेगा, ना कि लेफ्ट साइड से करेगा। चलो सीधा चलना, पहले स्पीड बढ़ाइए और क्लच दबा के सेकंड गियर करिए,
विनय जी ब्रेक पे पैर क्यों नहीं लाए आप गियर बदलते टाइम? कितनी बार मैंने आपको ये चीज टोकी है कि गियर बदलते वक्त राइट वाला पैर आपका ब्रदर ब्रेक पे होना चाहिए। आपके साथ जो हादसा हुआ सिर्फ इसी वजह से हुआ है, आपके साथ जो हादसा हुआ है वो इसी वजह से हुआ है क्योंकि आप ब्रेक पे पैर नहीं लाते हो, आप एक्सीलेटर पे रखते हो और आपको लगता है आपने ब्रेक पे पैर रखा है और सोचोगे ब्रेक दब जाएगा एक्सीलेटर। इसलिए जब भी आप टर्न कर रहे हो टर्निंग से 10 मीटर 20 मीटर फाइनली पैर आपका ब्रेक पे आना चाहिए, लेफ्ट टर्न करो और ब्रेक को हल्का सा टच करके आओ, फील भी कर सकते हो कि आपका पैर ब्रेक पे ही है या एक्सीलेटर पे है। समझ गए? अपनी लाइन लेफ्ट में आओ। जब भी आप गड़बड़ कर रहे हो बार बार, आप राइट लेके भाग जा रहे हो समझ गए, और लेफ्ट आओ। हाँ समझ गया भैया, मुझे लगेगा इसमें। हाँ स्पीड मेंटेन करिए, गुड। सो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और छोटी छोटी बारीकियां सीखने के लिए लर्निंग टू ड्राइव को फॉलो करें। जय हिंद, वंदे मातरम। स्ट्रेट मतलब सीधा, हल्का लेफ्ट आओ, लेफ्ट आओ। अब देखो यहाँ पे वही गलती करी जो आप मेरे से भी बोले थे, जब सामने टेम्पो आया था तो क्या करना था, क्लच लेके ब्रेक लेना था, नहीं लिया ना आपने क्लच लेके ब्रेक लिया ना गाड़ी गियर, मतलब अभी टेम्पो में ठुक जाती। इसको पहले गियर में करिए, चलो जाओ जाओ हल्का सा रेस लेके जाओ। देखा अब टाइम पे कंट्रोल ही नहीं कर पाए डियर, चलो जाओ क्लच छोड़ो, जाओ रेस करो हल्का, रेस करो। कर रहा हूं, कहां कर रहे हैं? क्लच दबाओ। चढ़ाई पे है गाड़ी और वहां कहां ले जा रहे हो? इधर चलना है तो कहां ले जा रहे हो?